So, hey guys, welcome back to another video. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज पल्सर 180 के बारे में। जी हाँ, ये जो बजाज पल्सर 180 का मॉडल है, बजाज कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से इस बाइक को बजाज ने कंटिन्यू कर दिया है इंडिया मार्केट के अंदर। और गाइज, आज मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ SS बजाज रेजनगर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल शोरूम को, क्योंकि उन्होंने ये बाइक मुझे दिया है वीडियो करने के लिए। गाइज, आप में से अगर कोई भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मेरे इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो मैं शोरूम का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जाकर शोरूम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। गाइज, शोरूम में आपको टेस्ट राइड के ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो फास्ट आप आइए, बाइक को टेस्ट राइड करिए, उसके बाद बाइक आपको अच्छा लगा तो परचेज करिए। और गाइज, आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में इस वीडियो के मैं आपको सब कुछ समझ में आ सके। उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों साइट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद उधर DM भी कर सकते हैं, मैं आपको उधर तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मैं हूं रूपम, आप देख रहे हैं आरके रूपम चैनल। तो गाइस, सबसे पहले बात कर ले इस बाइक का बॉडी ग्राफिक्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इस बाइक को देखने के बाद आपको फील होगा बजाज की पल्सर अब जो 125 और 150 मॉडल देख रहे थे, वही कुछ सेम टाइप का मॉडल आपको 180 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो मॉडलिंग है, मॉडल आपको चेंज नहीं करा है, पहले की तरह इसका मॉडल है। हाँ, लेकिन जो इसमें आपको जो कॉस्मेटिक चेंजेस होता है वो थोड़ा दिया गया है, और इसमें आपको एक न्यू कलर ऐड कर दिया है अभी बजाज कंपनी ने इस बाइक के अंदर। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको बहुत ही अभी न्यू BS6 के मॉडल में 180 मॉडल में आपको बहुत ही न्यू कलर नज़र में आएगा, बहुत ही हाईलाइट टाइप का कलर है ये। और आप लोग देख रहे होंगे गाइस, इसका जो बॉडी ग्राफिक्स है, बॉडी ग्राफिक्स के ऊपर आपको एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे टाइप का फील हो रहा है देखने में। गाइस, चेंजेस की अगर हम बात करें, आप लोग देख रहे होंगे इसका जो सीट है, मतलब जो प्लियन का सीट का दोनों साइड में आपको एक 180 लिखा हुआ मिलेगा। जो इसका लिखा का जो स्टाइल है वो पहले की तरह ही नहीं दिया गया है, इसमें आपको छोटे मोटे चेंजेस दिया गया है, मतलब स्टाइल जो है इसका वो थोड़ा चेंज टाइप का है। और नीचे की इंजन काउल की अगर हम बात करें गाइस, बॉडी ग्राफिक्स के साथ मतलब बॉडी का जो कलर दिया गया है कुछ उस टाइप का कलर आपको इंजन का जो काउल है, इसका इंजन काउल है, उसमें यूज़ करा है। ओवरऑल बाइक का लुक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा है, और बजाज की पल्सर का जो एक मॉडल है, एक बहुत ही एक सक्सेसफुल टाइप का मॉडल है, बहुत ही अच्छे से ये सेल होता है। और गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस बाइक का मॉडल आपको कैसा लगा। गाइस, आप लोग ध्यान देंगे, इसका जो इंजन का पार्ट है एकदम ब्लैक टाइप का दिया गया है, मतलब हर तरफ आपको ब्लैक टच दिया गया है इस बाइक के मॉडल के अंदर। आप लोग देख सकते होंगे इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर जो गार्ड आते हैं वो पहले सिल्वर कलर के साथ ही आते थे, लेकिन अभी आपको इस मैट ब्लैक कलर के साथ इस एग्जॉस्ट के ऊपर का जो गार्ड आता है वो दिया गया है। मतलब ओवरऑल बाइक का जो इंजन का पार्ट है एकदम ब्लैक टच फिनिश के साथ ही दिया गया है। अगर इस बात कर इसका चेंजेस के बारे में, तो जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसका कलर। जी हाँ गाइस, अभी आपको बजाज की पल्सर में बहुत ही सारा न्यू कलर नज़र में आएगा, इस 180 मॉडल में भी आपको न्यू बहुत ही सारा कलर नज़र में आएगा। पहला जो कलर है इस बाइक का वो है ब्लैक रेड कलर, और दूसरा जो कलर इसका वोल्केनिक रेड कलर है, तीसरा है स्पार्कल ब्लैक कलर, और चौथा जो कलर है उसका फेयरल व्हाइट कलर। जी हाँ गाइस, बहुत सारे कलर आप लोग देख रहे होंगे, और अभी आप लोग जो कलर देख रहे हैं इसका फेयरल व्हाइट कलर है। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना है इस कलर के साथ जो रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन दिया गया है वो आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी गाइस, बात करें इसका सीटिंग के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 180 मॉडल में आपको फुल्ली स्प्लिट सीट दिया गया है, और ये जो इसका सीट है पहले से ज़्यादा कम्फर्ट और बहुत ही सॉफ्ट टाइप का दिया गया है। और गाइस, बात करें इसका ग्रैब रेल के बारे में, आप लोग देख रहे होंगे पल्सर के जो ग्रैब रेल है बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, स्पोर्टी टाइप का फील होता है इस ग्रैब रेल को देखने के बाद। और डुअल पार्ट के साथ इसका ग्रैब रेल दिया गया है। और गाइस, और एक ग्राफिक्स चेंज हुआ है इस बाइक का, वो इसका टोल बॉक्स। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं टोल सेक्शन जो है इसका दोनों साइड में आपको फिनिश का एक कलर दिया गया है, जिससे देखने के बाद आपको फील होगा कि इसके ऊपर आपको कार्बन फिनिश नज़र में आता है। फ्रंट का जो मडगार्ड है, इस फ्रंट का मडगार्ड के ऊपर आपको एक कार्बन फिनिश नज़र में आएगा, जिससे इस बाइक का जो लुक है और भी ज़्यादा आई कैचिंग और इंटरेस्टिंग कर देता है। और गाइस, सीट हाइट की बात करें, इस बाइक में आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाता है, और इसका जो टैंक है, आप लोग देख रहे होंगे गाइस, इसका जो टैंक है, टैंक का मॉडल भी आपको पहले की तरह ही नज़र में आएगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं किया है। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक न्यू चीज़ ऐड कर दिया है, वो इसका टैंक पैड, एक खूबसूरत सा टैंक पैड इस बाइक के टैंक के ऊपर नज़र में आएगा, और इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है।
मतलब इसका जो टैंक है बहुत ही ज़्यादा दिया गया है और बहुत ही चौड़ा भी है इसका टैंक पहले से ही। गाइस ये जो बजाज की पल्सर मॉडल है इसको आपको देखने के बाद फील होगा कि आप हैवी वेट टाइप का बाइक चला रहे हैं, मतलब बहुत ही हार्डी टाइप का बाइक होता है ये। साथ ही गाइस और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की इस बाइक का बात करें तो आते हैं इसका इंजन। गाइस इसमें आपको DTSI का 178.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल 4 स्ट्रोक FIBS6 कॉम्प्लाइन इंजन मिल जाता है और इस इंजन में आपको मिलता है 16.76 bhp का पावर एट द रेट 8500 rpm के साथ। पावर को मिलता है 14.72 न्यूटन मीटर टॉर्क एट द रेट 6500 rpm के साथ। गाइस इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छे खासे पावर और टॉर्क मिलता है और गियर शिफ्टिंग की अगर हम बात करें इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, वही जो 1 डाउन और 4 अप गियर होता है वही सिस्टम दिया गया है इसका गियर शिफ्टिंग में। और गाइस और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको जो कि आप लोग मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं वो इसका माइलेज। जी हाँ गाइस इस बाइक का जो माइलेज है, क्योंकि इस बाइक को अभी तक मैंने नहीं चला है, कंपनी जो क्लेम कर रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें आपको 42 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये बाइक आपको इजीली से दे देगा। उसके बाद गाइस बात करें इसका टॉप स्पीड। जी हाँ गाइस इसका अभी तक टॉप स्पीड कंपनी बोल रहे है 122 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये बाइक आपको इजीली से दे देगा। और गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके पास बजाज पल्सर 180 का मॉडल है तो आप इसमें कितना टॉप स्पीड उठा पाइए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बिना सेफ्टी के प्लीज़ आप ये टॉप स्पीड चेक नहीं करें तो ही अच्छा है। उसके बाद गाइस इस बाइक का जो कार्ब वेट है वो मिलता है 151 किलोग्राम की वेट। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 1345 mm की व्हील बेस। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिलता है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। जो इंडिया पर्पस की बाइक होता है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए और बजाज ने इस बाइक में आपको 165 ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, तो बहुत ही एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिल जाता है। गाइस अभी बात कर लेते हैं इस बाइक का व्हील के बारे में। जी हाँ गाइस इसमें आपको दोनों साइड मतलब फ्रंट और रियर दोनों साइड आपको अलॉय व्हील्स दिया गया है जो कि 7 इंच का व्हील्स के साथ ही आता है। गाइस बात करें इस बाइक का भी टायर के बारे में, इसमें आपको फ्रंट में मिल जाता है 90x90 का 70 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको मिल जाता है 120x80 का 70 इंच का ट्यूबलेस टायर। जी हाँ इस दोनों साइड के टायर में आपको ट्यूबलेस दिया गया है। और गाइस और एक बात आप लोग देखे होंगे इसका जो रियर टायर दिया गया है, मतलब कुछ ऑफरोडिंग बाइक का जो टायर आते हैं मोटे मोटे बीट के साथ कुछ उस टाइप का टायर दिया गया है, इसका जो ग्रिपनेस है बहुत ही अच्छा है, मतलब देख के ही पता चल जाता है इसका जो ग्रिपनेस है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ गाइस इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, फ्रंट की तरफ आपको डिस्क मिल जाता है और पीछे की तरफ भी आपको डिस्क मिल जाता है। फ्रंट की तरफ का जो डिस्क का साइज है वो आपको मिलता है 280 mm की डिस्क साइज और रियर में आपको मिल जाता है 230 mm की डिस्क साइज। अभी गाइस नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इस बाइक का वो है इसका सस्पेंशन। गाइस इसमें आपको फ्रंट में मिल जाता है टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट टाइप सस्पेंशन और रियर में आपको मिल जाता है 5-way एडजस्टेबल नाइट्रोक शॉक्स टाइप एब्जॉर्बर। जी हाँ गाइस इसका जो सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है बहुत ही अच्छे है। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस बाइक का आपको कौन सा। गाइस लास्ट और फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक का प्राइस के बारे में। और गाइस इस बाइक का अभी तक जो प्राइस 138,850 रुपीज जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता के प्राइस है। और गाइस अगर आप जानना चाहते हैं आपके उधर कितना प्राइस है प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपका नियर बाय बजाज शोरूम में जाकर। गाइस अगर आप जानना चाहते हैं इस शोरूम का प्राइस क्या है तो मैं शोरूम का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां पर जाकर आप शोरूम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन बजाज पल्सर 180 के बारे में और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस बाइक का मॉडल आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की बाइक रिलेटिव A to Z वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।